कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। कलिंग पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुवारी और मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह ना माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार ना माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वेश्याओं पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे, इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते करते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं, नाच गाना भी किया और सो गया। दैव योग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए। चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो, मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में और वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से मुखातिब हुआ। हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है, उनकी भक्ति नौ प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती।
जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा कर यह वृत्तांत मुझसे कहे। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्व लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजुघोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजुघोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए है, अतः उसने निसंकोच उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई, वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दिया, तू मुझे पाप कर्म में घसीटकर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी और बोली कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पृथु, जब मंजुघोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है, इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा कि हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है, अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए यह वृत्तांत कहे। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजापालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी न मिलते, अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणिमुक्ताओं आदि से पूजन कर वही एक ओर बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला मेरे राज्य में कौन कर सकता है, मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, अरे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इन तुलसी दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है,
अथा वह बोला कि राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब अहंकार से भरकर राजा बोला कि अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो? क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया? मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं? इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ वस्त्रादि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभावानुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जावे और उसका व्रत भंग हो। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा, वह रसोई बनावे और भोजन कोई उठा ले जावे। सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में ना लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग न किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन दुर्बल और अस्थि पंजर जैसे एक चांडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ हुआ। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु के ले जाए वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर
और यह कहते हुए कि हे प्रभु मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए।